रोबोट ने की हत्या। दुनिया भर में करीब 10 लाख रोबोट हैं, जिनमें से आधे से अधिक जापान में हैं। आज हम आपको रोबोट द्वारा हत्या की सच्ची घटना बताएंगे। 1 जुलाई 2015 को फोक्सवैगन कार प्रोडक्शन प्लांट में एक रोबोट ने ठेकेदार को दबोचा और फिर पटक पटक कर मार दिया। अब जांच एजेंसी इस सोच में पड़ी है कि मामले में आरोपी किसे बनाए। अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसे आरोपी बनाया जाता है, लेकिन वहीं रोबोट क्राइम करे तो आरोपी किसे बनाए। फोक्सवैगन के प्रवक्ता हेइको हिलविक के अनुसार 22 वर्षीय ठेकेदार अपनी टीम के साथ रोबोट में दूसरे काम के लिए प्रोग्राम सेट कर रहा था। अचानक रोबोट ने ठेकेदार को पकड़ा और कुछ देर तक इधर उधर पटकने के बाद उसे मेटल प्लेट से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हेइको हिलविक के अनुसार यह नई पीढ़ी वाला हल्का रोबोट नहीं था, यह कार प्रोडक्शन प्लांट में दूसरे कर्मचारियों के साथ काम करता था। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह रोबोट ऑटो पार्ट को पकड़कर जोड़ने का काम करता है। अब जांच हो रही है कि आखिर में उसने ठेकेदार को दबोचा कैसे। यह रोबोट द्वारा हत्या का पहला मामला नहीं, बल्कि 1981 में रोबोट द्वारा मानव हत्या की पहली घटना सामने आई थी।